हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। यहां पर आप सीखेंगे इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, काफी सिंपल वेज को यूज करते हुए तीन आसान से स्टेप्स के साथ हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इसीलिए ये एक सैंपल क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, फॉर्मूला काफी सिंपल सा है और आसान से सॉल्यूशन के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों जरूर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको IMP क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मेथड की, इसका नाम है सिंपल इंडेक्स नंबर, और मैं आज आपको प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों तीन ही चीजें आपको याद रखनी है, याद रखिए, add, apply the formula। जी हाँ दोस्तों, आपको बस add करना है और formula apply करना है। आपको लगा होगा इतना आसान है, जी हाँ इतना ही आसान है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ commodities दी हुई हैं और 2 years दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, price in 2005, price in 2010, और ये ABCD commodities के prices 2005 और 2010 के बताए गए हैं। याद रखिए दोस्तों, base year और करंट ईयर ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए हमेशा से करंट ईयर और बेस ईयर के आधार पर ही आप ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, और इसीलिए यहां पर जो है दोस्तों 2005 जो है ना, जिसके आधार पे हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं उसे बेस ईयर कहा जाता है। तो याद रखिए, बेस ईयर ज्यादातर केसेस में यही होता है, जो पुराना वाला साल होता है, जो पहले का साल होता है, वो बेस ईयर माना जाता है। तो यहां पर 2005 को हम बेस ले रहे हैं, क्योंकि उसके आधार पे आगे का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो 2005 इज अवर बेस ईयर, और 2010 जो है दोस्तों ये हमारा करंट ईयर माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ABCD ये कमोडिटीज हैं, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो यहां पर दिया हुआ ही है। एक और यहां पर सेक्शन बना दीजिएगा टोटल का, और इनका समीशन कर लीजिएगा। जैसे 6 + 16 + 24 + 4 तो इधर आ जाएगा 50, और जब आप इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 8 + 10 = 18 - 4 जोड़ के 22 + 4 = 26, 26 + 20 = 46 और यहां पर आप ऐड कर देंगे 4 = 50 = 54 = 54 और 6 = 60। तो यहां पर हो गए ये दोनों के टोटल्स। अब फॉर्मूला को ध्यान से देखिए दोस्तों, फॉर्मूला काफी सिंपल सा है। प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इनटू 100, समीशन P1 अपॉन समीशन P0, P1 upon P0, म्हणजे दोघांचं टोटल करायचं आणि वर खाली समीशन P1 upon P0 इनटू 100, दोनों का टोटल हमने कर दिया, हमें मिल चुका है ऑलरेडी समीशन P1, यानी जो हमारा करंट ईयर है ना, 1 बोले तो करंट ईयर। तो याद रखिए 60 ये हमारा करंट ईयर का समीशन है, यानी टोटल है, और समीशन P0 यानी हमारा बेस ईयर का टोटल, तो हमारा बेस ईयर है 50, यहाँ पर टोटल हमने लिख दिया, इनटू 100 हम यहाँ पर कर देंगे। तो 0 0 काट डालते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 को यहाँ पे गुना 20 आ गया है ना, 520 100 620 यहाँ पर आ गया 120। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया प्राइस इंडेक्स नंबर का। काफी आसानी से फॉर्मूला याद रखना है, और तीन स्टेप्स याद रखिए दोस्तों, एड अप्लाई द फॉर्मूला। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन में दोनों साल दिए हुए हैं उनका एडिशन कर लेना है। सबसे पहले सिंपल इंडेक्स नंबर में एडिशन कर लेने के बाद आपको फॉर्मूला डाल देना है, जो कि है समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इनटू 100। हमने फॉर्मूला में आंसर फीड किया, चीजें फीड की, और आंसर हमें आ गया दैट इज 120। उम्मीद करता हूं दोस्तों सिंपल इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना आप समझ गए होंगे। आप जरूर ऐसे सिमिलर टाइप के टेक्स्ट बुक के सम्स को सॉल्व कीजिए,
लीजिए, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो या वैल्यू एडेड, सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।